वेदिता शुक्ला। राजस्थान में 7 दिसंबर को विधानसभा की 200 में से 199 सीटों पर मतदान होना है और हर पार्टी अपने तरीके से चुनावी प्रचार प्रसार कर चुनाव जीतने की जीतोड़ कोशिशों में जुटी है, फिर चाहे वो बीजेपी हो या फिर कांग्रेस। कांग्रेस के अंदर खाने सीएम पद को लेकर विवाद है, तो वहीं बीजेपी के लिए पाकिस्तानी मौलाना का राजस्थान में प्रचार प्रसार करना चर्चा का विषय बना हुआ है। आपने बिल्कुल ठीक सुना, दरअसल राजस्थान के इस चुनावी समर में खासकर पश्चिमी राजस्थान में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में पाकिस्तान के कथित मौलाना का एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसके जरिए एक मौलाना राजस्थान में मुस्लिम मतदाताओं से बीजेपी को वोट देने की अपील कर रहा है। बाड़मेर में वायरल हो रहे इस ऑडियो में कथित तौर पर पाकिस्तानी धर्मगुरु ताज हुसैन शाह जिलानी के बेटे अली हुसैन शाह जिलानी बीजेपी को समर्थन देने की बात कर रहे हैं। ऑडियो के मुताबिक जिलानी ने अपने अनुयायियों से शिव सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार अमीन खान के खिलाफ वोट करने की अपील की है। इस ऑडियो में जिलानी ये कहते सुनाई दे रहे हैं कि इस चुनाव में कुछ लोग बीजेपी पर मुस्लिम समुदाय से किनारा कर लेने की अफवाह फैलाने का आरोप लगा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि वो बीजेपी सरकार ही थी जिसने पाकिस्तान के सांगरा के रहने वाले पीर सैयद ताज हुसैन शाह जिलानी को फरवरी 2015 में जयपुर में शादी में शरीक होने और अपने अनुयायियों से मिलने में मदद की थी। वहीं जब कांग्रेस उम्मीदवार अमीन खान से इस ऑडियो के बारे में सवाल किया गया तो वो इसकी जानकारी नहीं होने की बात कह रहे हैं। खान के मुताबिक मुस्लिमों ने तय कर लिया है कि इस चुनाव में वो पाकिस्तान का किसी भी तरह का हस्तक्षेप मंजूर नहीं करेंगे और अपनी मर्जी से ही वोट करेंगे। अमीन खान ने इस ऑडियो को बीजेपी का वोटरों को भ्रमित करने का प्रोपेगेंडा करार दिया है और कहा है कि बीजेपी की कोई भी चालबाजी इस चुनाव में काम नहीं आने वाली है।